तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुसान के बाद में, क्योंकि हमारे स्कूल हो गए हैं स्टार्ट। आज ही था फर्स्ट डे स्कूल का और वो बहुत अच्छा गया। कहता बोल मत भाई, एक्सीडेंट हो गया। सॉरी लग गई जोर से, लग तो नहीं रहा। कोई का ड्रामा तो यहाँ पर चलता रहेगा। ड्रामा नहीं है भाई, लगी जोर से लगेगी। देखो तो आज एसएसटी वाले मैम ने, हमारे एसएसटी वाले मैम ने बोला कि इसके भी अच्छे हैं, इसके भी अच्छे आए, तो उसमें मेरा भी नाम था। और तो मैम ने नहीं बोला अच्छे मार्क्स आए, मार्क्स तो बताया नहीं। कुछ तो कहा होगा एग्जाम में, कुछ भी नहीं कहा। शीट्स कल दिखाएंगे हमें, कल दिखा देंगे। नहीं एक तो सब्जेक्ट दिखाएंगे क्या? हाँ कई बार दिखा देते हैं ना टीचर्स, दिमाग खाते रहते हैं आने के लिए। नहीं जैसे फिफ्थ से दिखा देते हैं शीट, सब क्लासेस को दिखा दी है। जो सिक्स्थ में है ना लोग, वो भी दिखा देंगे फिर पीटीएम में। वैसे भी सैटरडे आपको को छुट्टी नहीं होगी, नेक्स्ट सैटरडे है ना पीटीएम, नहीं जाएंगे फिर। टॉफी शायद मार्क्स शायद शीट दिखा देंगे हर क्लास। नहीं फिफ्थ से दिखाते हैं, भेज देंगे ना। तो अच्छे हैं क्या? कुछ मैम बहुत अच्छे हैं, कुछ के इंचार्ज। ये खाने वाला थोड़ी है कुछ भी, लेकिन मेरे को भी पागल हो जाते हो तुम। दोनों दोनों मम्मा मेरे हिंदी में बहुत कम आए हैं। तारीफ नहीं करी मैम ने हिंदी वाले मैम, इसीलिए तारीफ का नहीं मैम ने किसी बच्चे की नहीं। मैम ने बोला आधे से ज्यादा बच्चे फेल तो नहीं होंगी। मैम फेल कैसे हो कुंजू? ये बना रही हूँ लेकिन एक 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 बनाना और एप्पल भी खाना पड़ेगा। ओके तो मैं एप्पल खा लूंगा। और एक वाला क्यों नहीं खा के आया? तुम्हें टिफिन में देती हूँ, स्कूल में खाने के लिए होता है ना। मैम ने बोला आधे से ज्यादा बच्चे तो तुम्हारी क्लास में फेल है हिंदी में, और कई लोग हैं जिनके 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर किसी के नहीं आए। उसमें तू तो नहीं है फेल वाले में। मम्मा आप क्या समझते हो मेरे को? बोल रही है फेल। मैं तो मजाक में बोल रही थी, अब फिर भी चेक कर रही हूँ। हिंदी के पेपर के लिए मैंने पूरी रिटर्न प्रैक्टिस की थी, अब मैं क्या करूँ, गलतियाँ होंगी। तो इंग्लिश में मेरे अच्छे आए हैं। दिवाली की सफाई कब से शुरू करेंगे? जब दिवाली, एक महीना पड़े दिवाली को। और वो आंटी भी नहीं आए थे, मेड भी नहीं आए थे, सारा घर का काम मुझे करना पड़ा। और कपड़े प्रेस वाले अंकल आए थे तो आधे कपड़े गीले थे, आधे सूखे थे, वो भी नहीं, वो भी मुझे ही करने पड़ेंगे। और सुबह तो दूध लिया था, पूरा 2 किलो दूध खराब हो गया। जैसे गर्म करने रखा तो वो खराब हो गया। मम्मा पास्ता बन गया क्या? बन रहा है, कब बनेगा? अंदर घुस जाते हैं उसके भी बन जाएगा। ओके यूर क्या आवाज थी? जैसे क्या आवाज थी? फट कर क्या है? हाँ बहुत टेस्टी है ना पास्ता। आस्ता का पास्ता। तो अभी मैं खा रही हूँ पास्ता और जो बहुत ज्यादा टेस्टी, और कौन साथ में देख रहा है टीवी। क्या कर रही है? मैं मैथ्स की नोट बना रही है। वो बनी हुई आई है, बना क्या रही है उसे? उसके अंदर तो फिल कर, उसके अंदर इंडेक्स फिल कर। ट्यूशन से आई है पढ़ाई करके फिर यहाँ बैठ गई, थोड़ी थोड़ी नहीं होगा। साथ में मुलान ब्लॉग देख रही है। मैम ने आज वैसे ही ज्यादा काम कराया नहीं, क्योंकि सब बच्चों को नोटबुक लेनी है। मैम ने बोला रफ कॉपी पे कर लो, 4 क्वेश्चन बनाए। आपने क्या बनाया अभी? मैंने बनाया पनीर, शक्ल अच्छी नहीं बनी आज इसकी। इसके अंदर आपने टिंडा भी डाला है। टिंडा कैसे डालूंगी? पनीर है, टिंडा कैसे डालेगा? टिंडा भी है उसमें, दिखाते हो पर। पनीर है ये, घर में तो कल आज सुबह जो दूध फट गया था
अच्छा पनीर ही ग्रेवी अच्छे से नहीं बनी आपने क्यों मैं जैसे ही मिक्सर में उसमें घुमाने लगी ना सारा बाहर आ गया उसमें जग में से सारा मिक्सर बाहर इसीलिए ऐसा हो गया अब खाओ खाना और फिर पापा को बोल दे खाना खा लो पापा मम्मा बोल रहे हैं अभी खाना खा लो खाना साथ में खाते हैं साथ में मम्मा पापा बोल रहे हैं साथ में खा लो क्यों बोल रहे हैं साथ में खाना क्यों पापा के सामने बताती हूं ना पापा की हंसी से तेरे को पता लगेगा कि मैं सच कह रही हूं क्या दूसरे क्यों कह रहे हो साथ में खाना खाएंगे साथ में खाने क्या तो साथ में खाना खाना इसलिए बोल रहे हैं ताकि कुछ लेके आना पड़ेगा बस यहां बैठी है यहाँ पर सारा सामान भजा हुआ होगा खाना खाएंगे और फिर यहीं बैठे रहेंगे सारा कुछ मैं लेके आऊंगे सारा कुछ छोड़ के आऊंगा कुछ प्याज काटने का देख क्या बोल रहा था अभी देखो बोल रहा था प्याज काटूंगा मैं बताते उधर आलसी ये आपसे ज्यादा आलसी आप आलसी आपसे ज्यादा आलसी